विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद अब रविंद्र जडेजा भी अलविदा कह रहे हैं क्रिकेट जगत को। फैंस ने रो रो कर मचाचा कोहराम। दोस्तों, सबसे पहले विराट कोहली का रिटायरमेंट, फिर रोहित शर्मा का रिटायरमेंट और अब रोहित के बाद रविंद्र जडेजा का रिटायरमेंट। रविंद्र जडेजा ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और विराट और रोहित के बाद वह तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अब सवाल यह कि क्या बिना रोहित के, बिना विराट के, बिना जडेजा की यह टीम पहले जैसी लगेगी? क्या ये लोग कुछ साल और खेल सकते थे या वह कहां जा रहा है कि नई टीम जो है वह केवल जिम्बाब्वे खेलने के लिए थोड़ी है, उसे बाकी एक्सपोजर मिलना चाहिए। अगले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां जो हैं वह अभी से होनी चाहिए और ऐसे में अगर सीनियर खिलाड़ी अभी से नहीं जाएंगे तो कोई नई टीम नहीं आ पाएगी और ना ही टीम के लिए नए खिलाड़ियों के लिए जगह बन पाएगी। लेकिन फिलहाल इन तीनों खिलाड़ियों ने हाई कोर्ट पर अपने T20 करियर का दी एंड कर दिया है और रविंद्र जडेजा ने जब रिटायरमेंट का ऐलान किया तो फैंस भी भावुक हो गए, क्योंकि जडेजा काफी टाइम से खेल रहे, जडेजा इंडिया की आन बान शान रहे हैं। जडेजा ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और एक दिन बाद ये ऐलान हुआ है T20 वर्ल्ड कप की जीत की। रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, एक इमोशनल पोस्ट डाली और उसके बाद अपने बूट्स जो है वह पैक करने की बात कही। जडेजा कहते हैं कि यार सब हो गया बस, मतलब मैंने अपनी सबसे देश को बेच दिया और एंड में हमें जीत मिली और अब मेरिट में जाता हूँ। लेकिन जिस तरह से रोहित रिटायर हुए, विराट रिटायर हुए, रविंद्र जडेजा रिटायर हुए, ऐसा लग रहा कि एक क्रिकेट का एरा जो है वह खत्म हो गया है। हालांकि इन तीनों के रिटायरमेंट में खास बात यह थी कि पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं थी, कोई सोशल मीडिया इंटरव्यूज नहीं हुए, कहीं कोई तामझाम नहीं, बड़ी खामोशी से जीत के लम्हों के बीच में इन तीनों ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और क्रिकेट से अपने आप को दूर कर लिया। मैच के ठीक बाद पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने मैन ऑफ द मैच लेते वक्त रिटायरमेंट का ऐलान किया, रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और उसके बाद जडेजा ने एक अनाउंसमेंट कर दी। इंडिया कई सालों के बाद वर्ल्ड कप जीतती है, कई सालों के बाद जीती है। 2011 में आखिरी बार हमने ODI वर्ल्ड कप जीता था और जहां तक बात T20 वर्ल्ड कप की है तो वह तो हमने साथ में मिलकर जीता। जडेजा ने रिटायरमेंट पर लिखा कि आप सभी का शुक्रिया, पूरे दिल से आभार, मैं T20 इंटरनेशनल को अलविदा कहता हूँ। मैं हमेशा अपने देश के लिए अपना बेस्ट देता आया हूँ और बाकी फॉर्मेट में वह देना जारी रखूंगा। T20 वर्ल्ड कप जीतना एक सपने के सच जैसा है। आप लोगों के अटूट विश्वास के लिए धन्यवाद। यह जडेजा का स्टेटमेंट था। जडेजा के रिटायरमेंट के बाद PM मोदी ने भी उनकी तारीफ की और सोशल मीडिया पर लिखा कि ऑलराउंडर के तौर पर आप हमेशा इंस्पिरेशनल थे, स्टाइलिश शॉट, स्पिन बॉलिंग, गजब की फील्डिंग हमेशा लोगों के दिल में रहेगा। इवन रैना और बाकी क्रिकेटर्स ने भी कहा कि जडेजा यार तुम जैसा कोई नहीं हो सकता, तुमने इंस्पायर किया है जनरेशन को कैसे 3D प्लेयर खेलते हैं। रविंद्र जडेजा खिलाड़ी हैं जिन्होंने साल 2009 में इंडिया के लिए डेब्यू किया था। T20 फॉर्मेट में 47 मैच खेले, 515 रन और 54 विकेट अपने नाम किए। जडेजा वह प्लेयर हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को जिताया था। कमाल का ऑलराउंड प्रदर्शन रहा था, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग समय। जडेजा इंडिया के सबसे प्रीमियम ऑलराउंडर रहे हैं। 2009 से 2024 तक वह टीम में खेलते रहे, अलग अलग समय उन्होंने अपना जलवा जलाल किया। इंटरनेशनल मैचेस में जडेजा एक बहुत बड़ा नाम है। हालांकि इस T20 वर्ल्ड कप में जडेजा अपने नाम के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, 8 मैच में केवल 35 रन बना पाए सिर्फ, और विकेट के नाम पर सिर्फ एक विकेट मिला। उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो था, बल्लेबाजी में बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले और गेंदबाजी में जहां मौके मिले वह बहुत ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। इंग्लैंड के सामने थोड़ी बहुत कोशिश की थी उन्होंने रन बनाने की, लेकिन बाकी मैचेस में वह एवरेज प्लेयर नजर आए और शायद जडेजा इसी वजह से अपने बूट्स को पैक करते नजर आए। जडेजा के जाने के बाद यह माना जा रहा कि अक्षर पटेल जो हैं वह जडेजा की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे और अब रविंद्र जडेजा को वह रिप्लेस करेंगे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इन तीन के जाने के बाद आपको लगता है क्रिकेट वैसी ही रहेगी? ये तीनों अपने आप में कमाल के खिलाड़ी हैं। रोहित शर्मा ने 9 ICC T20 वर्ल्ड कप खेले, विराट खेले थे, जडेजा भी बीते इतने सालों से टीम की पहचान थे, हर फॉर्मेट में प्लेयर थे, यह वह प्लेयर थे जो तीनों फॉर्मेट में चल रहे थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि टीम इंडिया की T20 टीम जो है वह काफी ज्यादा चेंज हो जाएगी। जडेजा के रिप्लेसमेंट के लिए अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, कई सारे और भी प्लेयर्स हैं, उनके लिए मौका रहेगा।
लेकिन यह एक अच्छी बात है कि हमारे सीनियर खिलाड़ियों ने जब डिसाइड किया कि वह अगला वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे तो समय रहते नए खिलाड़ियों को मौका दिया ताकि अगले दो साल में एक नई टीम बन पाए। और जिस तरह से इस साल हमारे चेहरे पर खुशियां आई हैं, वर्ल्ड कप जीतने की ये खुशियां आगे भी हमारे चेहरे पर आती रहें। सो मच रविंद्र जडेजा फॉर सर्विस लेस होप कि टेस्ट और वनडे क्रिकेट में आप कंटिन्यू करेंगे और इंडिया को मुस्कुराने के अनगिनत मौके आपके जरिए हमें मिलते रहेंगे। थैंक यू जडेजा।